हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है इज आर एम अकस्टम टू या फिर इज आर एम यूज टू। दोनों का एक ही मतलब है, जब हम सेंटेंस इस तरह के बोलते हैं कि उसे देर से सोने की आदत है या वह जल्दी उठने का आदि है, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, यानी किसी चीज़ की आदत होना, किसी चीज़ का आदि होना। आप लोगों ने पहले एक यूज टू का रूल करा होगा। यूज टू जो पास्ट की हैबिट बताता है, ये अलग है। ये इज आर एम यूज टू प्रेजेंट की हैबिट बताएगा। पास्ट की हैबिट में क्या था, कोई काम किया करता था, जैसे मैं वहाँ जाया करता था तो खाली यूज टू लगाते थे, आई यूज टू गो देयर। मैं उससे पूछा करता था, आई यूज टू आस्क हिम। वह मुझे बताया करता था, बोलो, ही यूज टू टेल मी। वह झूठ बोला करता था, He used to tell a lie। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए हमने used to में यूज करे थे। आज का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो है प्रेजेंट की हैबिट बताना। इसमें है इज आर इन प्लस यूज टू प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म। यूज टू की जगह अकस्टम टू का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और यही रूल ऐसा है जिसमें टू के बाद आई एन जी आती है। वैसे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म, वुड लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। पर इज आर एम यूज टू है ना, इज आर एम यूज टू या इज आर एम अकस्टम टू, तो इसमें आपको लगाना है आई एन जी फॉर्म। ये मिस्टेक कई बार जो है कॉम्पिटे एग्जाम में आती है, जब एरर फाइंडिंग होता है ना, तो उसमें यूज टू के साथ आई एन जी दे देते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। फर्स्ट फॉर्म कब आती है, केवल जब यूज टू होगा, और इज आर एम यूज टू होगा तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यूज्ड या यूज्ड का मतलब यूज करना, प्रयोग करना नहीं है, उपयोग करना नहीं है। यूज्ड का मतलब है आदि होना। कई बार आपने देखो ऐसे सेंटेंस सुने होंगे कि तुम जल्दी ही इसके यूज टू हो जाओगे, मतलब आदि हो जाओगे, आदत में आ जाएगा। मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, मतलब इसका आदि नहीं हूँ। हैबिचुअल भी यूज कर सकते हो। ये जहाँ जहाँ यूज टू और अकस्टम टू लगाते हो तो वहाँ पर एक कॉमन वर्ड हैबिट से बनता है हैबिचुअल, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, उसे देर से सोने की आदत है, उसे के लिए क्या लगाओ, ही। इज आर एम तीनों में से एक लगाना है। इज आर एम के रूल आपको आते होंगे, फिर भी मैंने लिखे हैं कि आई के साथ एम लगाया जाता है। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम, नाम पर एक ही होना चाहिए सिंगुलर, या इसके अलावा कुछ भी सिंगुलर नंबर हो तो आपको इसका प्रयोग करना है। यू आ जाए, वी आ जाए, दे, या इसके अलावा प्लूरल हो तो आपको आर का यूज करना है। तो क्या बना सेंटेंस, उसे के लिए हो गया ही के साथ लगाया इस, फिर लगाया यूज टू, देर से सोना, स्लीपिंग लेट। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, है ना। अगर सब्जेक्ट चेंज हो, जैसे मुझे देर से सोने की आदत है, तो मुझे मतलब आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, यूज टू, स्लीपिंग लेट। मुझे जल्दी उठने की आदत है, जल्दी उठना, वेकअप पढ़ लिया, गेटअप पढ़ लिया, दोनों यूज कर सकते हैं। तो आई, बोलो, आई के साथ एम, फिर क्या आएगा, यूज टू, वेकिंग अप पढ़ लिया, गेटिंग अप अर्ली। मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है, आई एम नॉट, है ना, निगेटिव होगा तो इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग, है ना, कई सारे वर्ड है, गोइंग ऑन फुट भी कह सकते हैं, गोइंग वॉकी वॉकी भी कह सकते हैं, सब करेक्ट है, तीनों करेक्ट हैं। और सेंटेंस देखते हैं, हम जीतने के आदि हैं, यानी हमें जीतने की आदत है, तो क्या बोलोगे, हम मतलब वी के साथ लगाया आर, यूज टू विनिंग, है ना। कुछ सेंटेंस अकस्टम टू से बनाओ, वी आर अकस्टम टू विनिंग। तुम हारने के आदि हो, तुम यू के साथ क्या आएगा आर, फिर क्या लगाया यूज टू, और हारना क्या होता है लूज, है ना, डिफीट नहीं, डिफीट तो हराना हो जाएगा, तो यू आर यूज टू लूजिंग। उसे हारने की आदत है, ही इज यूज टू लूजिंग। वह सिगरेट पीने का आदि है, वह वाला ही क्या लगाएगा, ही के साथ क्या लगाएंगे इस, फिर क्या आएगा यूज टू, और स्मोकिंग, चाहो तो स्मोकिंग सिगरेट भी बोल सकते हो या फिर स्मोकिंग से भी काम चलेगा, ही इज यूज टू स्मोकिंग। वह शराब पीने का आदि है, शराब पीना बहुत सारे वर्ड है, ड्रिंक वाइन के दो, केवल ड्रिंक भी कह सकते हैं, ड्रिंक अल्कोहल भी कह सकते हैं, ड्रिंक
लिकर भी कह सकते हैं, और एक नया वर्ड है बूज, बूज मतलब भी शराब पीना, तो इसी में आप आई भी लगा सकते हो। वह शराब पीने का आदी है, तो आप बोल सकते हो ही इज यूज टू ड्रिंकिंग, तो बोल ही सकते हो, और ही इज यूज टू बूजिंग। और सेंटेंस देखते हैं, उसे पीठ पीछे बुराई करने की आदत है। पीठ पीछे बुराई करना एक ही वर्ड होता है, पूरा एक ही वर्ड बैक बाइट, तो आई एन जी आपको इसमें लगाना है, और लास्ट में ई हो तो ई को हटा के आई एन जी लगेगा। तो उसे पीठ पीछे बुराई करने की आदत है, तो क्या बोलोगे उसे, मतलब ही इज यूज टू बैक बाइटिंग, ठीक है, ही इज यूज टू बैक बाइटिंग। तुम्हें पीठ पीछे बुराई करने की आदत है, टेल टेल भी होता है ना, यू आर यूज टू बैक बाइटिंग या यू आर यूज टू टेलिंग टेल, ठीक है। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, अकेला मीन्स अलोन, तो आई एम नॉट यूज टू रहने के लिए लिव, तो आई एन जी हो जाएगा, आई एम नॉट यूज टू लिविंग अलोन। उसे अकेले रहने की आदत नहीं है, बोलो उसे, ही इज नॉट यूज टू लिविंग अलोन। क्या तुम्हें अकेले रहने की आदत है, क्वेश्चन में क्या करेंगे, इज आर इन, तीनों में से एक को पहले लेंगे, तो यू के साथ आर पहले आएगा, तो क्या आएगा, आर यू यूज टू, आर यू अकस्टम टू लिविंग अलोन। उसे स्टेज पर बोलने की आदत नहीं है, ही इज नॉट हैबिचुअल टू, ही इज नॉट अकस्टम टू, या ही इज नॉट यूज टू स्पीकिंग ऑन द स्टेज। उसे अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं है, ही इज नॉट, बोलो, यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत है, आर को पहले, आर यू यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब कभी कभी इसमें वर्ब नहीं आएगी, तो हम सिर्फ नाउन को ही जोड़ देंगे, जैसे मैं इसका आदि नहीं हूं, मुझे इसकी आदत नहीं है। अब इसका तो इट या दिस होगा, ये वर्ब तो है नहीं, तो आई एन जी कहाँ से लाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो सिंपल हो जाएगा, मैं इसका आदि नहीं हूं, आई एम नॉट यूज टू इट या दिस। क्या तुम इसके आदि हो, आर यू यूज टू इट या दिस। हम वाहनों के आदि हैं, वाहन, वाहनों के नहीं, वाहन है ना, वाहन क्या होता है, व्हीकल्स है ना, तो हम वाहनों के आदि है, तो क्या बोलना पड़ेगा, वी आर यूज टू व्हीकल्स। वह वाहनों का आदि है, बहाने क्या होता है, एक्सक्यूजेस, तो क्या हो जाएगा, ही इज यूज टू एक्सक्यूजेस। अगर हम कहें कि वह बहाने बनाने का आदि है, तो फिर बनाने के लिए मेक एक्सक्यूजेस बोलना पड़ेगा, तो क्या आएगा, ही इज यूज टू मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। वह कॉमिक्स पढ़ने का आदी है, ही इज यूज टू रीडिंग कॉमिक्स। क्या तुम्हें अखबार पढ़ने की आदत है, आर यू यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर। उसे टीवी देखने की आदत है, तो क्या बोलोगे, ही इज यूज टू वॉचिंग टीवी। अब फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, वो आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने हैं। लिखे सेंटेंस, आज के सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस लिखे, उसे ज्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं है, उसे ज्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं है। सेकंड लिखो, मुझे लंच में ज्यादा खाने की आदत नहीं है। फिर थर्ड सेंटेंस लिखो, उसे यात्रा करने की आदत नहीं है। फोर्थ सेंटेंस लिखो, वह शराब पीने का आदी है। एक सेंटेंस और लिखो, तुम झूठ बोलने के आदी हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांच सेंटेंस आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।